काफ़ी वक्त से डेविड ये बात जानता था कि वो अपनी वाइफ को कभी भी मार सकता है। डेविड की कुछ आदतें ऐसी हैं कि वो किसी भी चीज़ का आदी हो जाता है, पर उसने अपने इस अकेलेपन और आदतों को ब्लेसिंग की तरह ही देखा है, ना कि किसी अभिशाप की तरह। वो हर रोज़ एक ही वक्त पर उठता है, अच्छे कपड़े पहनता है, सेम ब्रेकफास्ट करता है और हर रोज़ सेम रास्ते से अपने ऑफिस जाता है। उसने लंच टाइम तक इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर दिया था और उसके बाद वो पार्क में गया। वहाँ वो 48 मिनट तक बैठा, न्यूज़पेपर पढ़ा, अपना सैंडविच खाया और वापस अपने ऑफिस चला गया। अब उसे इन हर रोज़ की आदतों में आराम महसूस होता है। डेविड ने अभी तक कोई प्लान नहीं बनाया कि वो अपनी वाइफ की बॉडी को कैसे छुपाएगा और वो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स या नेबर्स को कैसे बताएगा कि उसकी वाइफ कहाँ चली गई। पर उसे खुद पर यकीन था कि जब वो उसे मार देगा तो तभी वो कोई ना कोई सॉल्यूशन निकाल लेगा, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे वो सब कुछ संभाल लेगा। डेविड ने सोच लिया था कि वो अपनी वाइफ को कैसे मारेगा। वो अपनी वाइफ की आंख में कुछ घुसा देगा, पर वेपन कोई चाकू नहीं बल्कि एक स्वेटर बुनने की निडल होगी। उसने उस निडल के आधे हिस्से को टेप से कवर कर दिया ताकि उसे पकड़ने में आसानी हो। उसके बाद भी उस निडल में 6 इंच का हिस्सा बचा था, जो काफ़ी होगा अगर पूरी ताकत से मारा जाए तो। वो आँख से होते हुए सीधा ब्रेन तक जाएगा, शायद थोड़ा खून निकलेगा और तुरंत मौत हो जाएगी। उसकी वाइफ ने उसे 15 साल तक एक बहुत अच्छी और बेहतर ज़िंदगी दी है। वो नहीं चाहता था कि उसकी वाइफ को ज़्यादा दर्द हो, और इससे बड़ी बात यह थी कि वो इसे किसी मर्डर की तरह नहीं देख रहा था। उसने इसे ऐसे सोचा कि उसकी वाइफ ने किसी तरह का कोई अनजाना क्राइम किया है और वो उसे सजाए मौत दे रहा हो। खैर, वो एक गर्मियों की खूबसूरत शाम थी। डेविड और उसकी वाइफ किचन टेबल पर खाना खाने के लिए बैठे थे। उसकी वाइफ ने चिकन सलाद बनाया था और एक स्वेग्नन ब्लैंक वाइट वाइन की बॉटल भी रखी थी। दोनों बहुत ही शांति से अपना खाना खा रहे थे। वो शांति बहुत ज़्यादा अजीब सी महसूस हो रही थी। वैसे न्यूज़ में बारिश होने की आशंका बताई गई थी, पर बारिश नहीं हुई। डेविड ने अपनी वाइफ से कहा, शायद कल बारिश होगी, और उसे बड़ा ही आरानिकल समझा क्योंकि वह ऐसी बात बोल रहा था जो उसकी वाइफ कभी जान नहीं पाएगी कल क्या होगा। डेविड बहुत ही आराम से बैठा था, एकदम शांत। वो निडल उसकी थाई के नीचे ही रखी थी। उसके दिमाग में सब कॉन्शियसली ही एक बात बैठ चुकी थी कि जो कुछ होने वाला था अब उसे रोका नहीं जा सकता। कोई खींचातानी नहीं होगी, कोई चिल्लाना नहीं होगा। शायद अगर उसकी मौत गला दबा के की जाती तो शायद वो झटपटाती और रोती, अब वो भी नहीं होगा। उस झटपटाहट में उसकी हील से शायद फर्श पर निशान पड़ जाते, पर अब वो भी नहीं होगा। एक पल वो डिनर टेबल पर बैठी होगी और दूसरे ही पल वो मर चुकी होगी, और शायद उसे पता भी ना चले। डेविड अपनी वाइफ से पूछता है, तुम वाइन नहीं ले रही? तो उसकी वाइफ कहती है, और नहीं, मुझे थोड़ा सर दर्द है, अगर वाइन लूँगी तो सर दर्द और बढ़ जाएगा। और तभी डेविड को अंदर से कुछ महसूस होता है। उसका दिल बैठ जाता है, उसे अंदर से भारी सा महसूस होने लगता है। उसकी वाइफ उसकी तरफ देखकर मुस्कुराती है। उसकी वाइफ की स्माइल बहुत ही मासूम थी, एकदम शांत स्माइल, और लगभग उसकी आवाज़ में एक दुख था। डेविड की वाइफ को कभी भी पता नहीं चल सकता था कि उसके हस्बैंड ने उसके लिए क्या प्लान किया था। वो कभी उस पर शक ही नहीं कर सकती थी कि उसका हस्बैंड ऐसा भी कर सकता था। हर दिन एक जैसा होता था, उसने हर रोज़ एक जैसी ही चीज़ें की थी, हर रोज़ वो एक ही तरह से सोचता था और एक ही तरह से बोलता था, यहाँ तक कि उसके शब्द भी सेम ही हुआ करते थे। हर रोज़ एक तरह का रूटीन जो कई सालों से बस एक जैसा ही था। और ये कहना भी सही होगा कि अगर उनकी शादी को देखा जाए और कोई ख़ास बात निकाली जाए तो ये होगी कि कभी कुछ नहीं हुआ। पर अब वो कुछ महसूस कर रहा था। क्या वो पछतावा था या गिल्ट? क्या वो उसे मारने के फैसले पर सवाल उठा रहा था? वो अब ये सब क्यों महसूस कर रहा था? क्यों उसे अपने पेट में एक अजीब सा एहसास हो रहा था? क्यों उसे बहुत कमज़ोरी से महसूस हो रही थी? क्यों उसे अपने ही फैसले पर शक हो रहा था? उसने अपना मुंह खोला कुछ बोलने के लिए, पर कुछ बोल ही नहीं पाया। वो शब्द उसके मुंह में तो थे पर कभी जबान तक नहीं आए। उसकी वाइफ ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में वही दुख था। डेविड के अंदर एक दर्द सा उठ गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर से उसकी हर एक सांस को खींच कर निकाल लिया गया हो। उसने ऐसा कभी महसूस नहीं किया था, पर वो दर्द ज़्यादा देर तक नहीं रहा, शायद 30 सेकेंड या फिर शायद 40 सेकेंड तक। उसके बाद बस उसने अपना गाल उस प्लेट पर पड़े सैलेड पर महसूस किया और फिर उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। डेविड की वाइफ वाइन की बॉटल और ग्लास को सिंक में ले जाती है
और बहुत ध्यान से उन दोनों चीज़ों को धोने लगती है ताकि खून का एक भी दाग ना बचे, और फिर बस किचन के दरवाजे पर खड़ी होकर अपने पति की लाश को देखने लगती है और सोचती है कि जितने भी दिन उसने अपने पति की मौत को प्लान किया था, उस दौरान से लेकर अब तक उसने दशकों तक की इमोशंस को एक साथ महसूस कर लिया था और वो बस वहीं खड़ी रही।